बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि गर्दन पर बनने वाली चार लाइनों का इलाज बताएं, तो ये रही मुल्तानी मिट्टी जिससे हम आपको गर्दन की लाइनों का इलाज बताएंगे। इससे आपकी गर्दन का रंग भी निखर जाएगा और आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है, आप बनी भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो गाची मिलती है पीले कलर की, आप उसका पाउडर भी बना सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून आपने इसमें शहद का डालना है। इसके बाद हम इसमें जो है वो आधा लीमू का रस मिलाएंगे ताकि आपकी गर्दन का रंग भी निखर सके। अगर आप उनको लीमू सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर दें, इसका इस्तेमाल ना करें। इन दो चीजों के बाद हम इसमें उसको पेस्ट की शक्ल देने के लिए मिलाएंगे गुलाब का अर्क यानी रोज वाटर। उसके लिए आपको जितने भी जो है वो पानी की जरूरत हो उसकी जगह आप गुलाब का अर्क मिलाएं ताकि उससे पेस्ट बनकर आपके गर्दन में निखार भी आए और गर्दन की लाइनें जो स्याह लाइनें हैं वो जो बिल्कुल बुरी लगती हैं वो जो है वो ठीक हो जाए। ये रहा गुलाब का अर्क। अब इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली पेस्ट की शक्ल में देने के लिए आपको ज्यादा गुलाब का अर्क की जरूरत पड़ेगी। इसमें 2 टीस्पून जो है वो गुलाब का अर्क आप शामिल करेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा। जब तक इसमें जो है वो मैं गुलाब का अर्क मिक्स करके इसका पेस्ट बनाती हूँ तब तक नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि हमारे नए चैनल सबाजी लाइब्रेरी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि वहाँ पे अपलोड होने वाली वीडियोस को आप देख सकें और उसको एंजॉय करें। इसके अलावा जो दोस्त पहली दफा हमारे इस चैनल पे आए हैं वो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पे अपलोड होने वाली ब्यूटी और हेल्थ की वीडियोस को आप देख सके, एंजॉय कर सके, उसको अप्लाई कर सके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। वीडियो को मुताबिक मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा और हमारे दूसरे न्यू चैनल सबाजी लाइब्रेरी का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर दिया जा चुका है ताकि डिस्क्रिप्शन के शुरू में ही आपको सबाजी लाइब्रेरी का लिंक मिल जाए और आप उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे अपलोड होने वाली वीडियोस को जो है वो देख सके, सुन सके और समझ सके। ये पेस्ट आपका बिल्कुल बनके तैयार हो गया। इसको आपने अपनी गर्दन पर रोजाना अप्लाई करना है 10 दिन और जब ये खुश्क हो जाए तो 20 से 25 मिनट के बाद सिंपली अपनी गर्दन को वॉश कर दें। आप देखेंगे कि बहुत कम दिनों के इस्तेमाल से आपकी गर्दन पर पड़ने वाली स्याह लाइनें जो है वो मध्यम होना शुरू हो जाएंगे, जिसको रेगुलर इस्तेमाल से आपकी गर्दन चमक जाएगी और लाइनें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। वीडियो हमारी बिल्कुल शॉर्ट सी है बट ये नुस्खा बहुत पावरफुल है, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। जिनके साथ ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती